हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सैमसंग A7 2018 या फिर सैमसंग A7 2018, और मेरे पास आज इसके लिए एक बेहतरीन कवर है जो अभी काफ़ी ट्रेंडी है फेसबुक पे, और आप काफ़ी सारी वीडियोस में देख रहे होंगे इस तरह का कवर है। और इस कवर का वो मैं पिछले 15 से 20 दिन से पहले से भी यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अपने ओप्पो के वन पर लगाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया कवर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि A7 18 के लिए अगर आप एक और लगाते हैं तो क्या कुछ इसमें खास है और ऐसे कहाँ से मिलेगा। रही बात पहले तो मैं ऑफलाइन मार्केट की बता दूँ तो बहुत ही रेयर मिलेगा। एक शॉप पे मुझे मिला था तो उसका प्राइस इतना था, तो उससे सस्ता मुझे ऑनलाइन मिल गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह का ये केस होता है। ये चार कलर में अवेलेबल है, चारों तो मेरे पास नहीं है। पहले भी ये वाला रेड है और ये वाला भी रेड है। ये आपको मिल जाएगा वाइट, रेड, ब्लैक और पिंक कलर में। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँगा, तो देखिए वायरलेस सिग्नल कनेक्शन, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि वो देखिए आप इस तरह की जो इसकी क्वालिटी है। ग्लास केस डिज़ाइन इन हांगकॉन्ग। इसकी फ्रेंड्स जो कॉस्ट है ना, वो आपको 250 से 300 रुपये के आसपास की पड़ने वाली है, क्योंकि ये ओरिजिनल कवर है। इसके पीछे जो एक ग्लास लगा हुआ है, कोई भी पॉलिश वगैरह नहीं है और इसके ऊपर स्क्रैच नहीं आती। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी स्क्रैच नज़र नहीं आएगी। ये रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ा सा कम जूम कर आप देख सकते हैं। और मैं ये वाला दिखा दूँ, इसको मैं 15 से 20 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इस पर थोड़े से फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, बट जैसे कि सामने ही डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आते हैं, वैसे इस पर ही फिंगरप्रिंट जो आ जाते हैं उसको हम ऐसे क्लीन कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस कवर लगाने के बाद जो आपको दिखेगी कि जब भी आप गेम खेलोगे या कुछ भी करोगे, मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि कवर लगा है, क्योंकि जैसे कि इसके पीछे भी ग्लास है और इसके पीछे भी कुछ इसी टाइप का है, हालांकि प्लास्टिक है मेरे ख्याल से। तो और ये कवर लगाओगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि हमने फ़ोन के ऊपर कवर लगाया है, ऑलरेडी आपको जो ग्लास की फील है वो यूं की यूं आएगी। तो अब हम लगा के देखते हैं इसके ऊपर इसको, और एक बार अंदर से मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अंदर से भी इस पर डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये एक वो चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि साइड से रबड़ होता है, पीछे से हार्ड प्लास्टिक होता है, उसको पेस्ट कर दिया जाता है, थोड़े बाद दिन वो निकल जाते हैं ऐसे पेस्टिंग उसकी निकलती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। पूरा प्लास्टिक का कवर है, ऊपर इस पर ये ग्लास की शीट लगाई गई है और साइड से ये भी सॉफ्ट है, जो कि एक अच्छी बात है कि साइड से हमारा फ़ोन ये जो कवर है क्रैक नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी लुक लगेगी। और सबको एक दिक्कत होती है कि A7 18 का जो कैमरा बाहर है, क्या वो ग्लास के कवर के अंदर आने के बाद सेफ हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल देखिए कवर के बिल्कुल अंदर है, और कितना अंदर आप देख सकते हो, बहुत अंदर है। इसे कोई भी कैमरे स्क्रैच वगैरह नहीं आएगी, और फ्लैश लाइट की कटिंग भी बिल्कुल अलग से है। ये इसकी फिंगरप्रिंट की कटिंग है, और ये दिखाऊँ तो आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन पर प्लस माइनस के निशान है, जो कि काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आपको देंगे जब आप इनको प्रेस करोगे तो आप क्लिकिंग के बाद देख सकते हैं। और उसके बाद साइड पर यहाँ पर ये डिज़ाइन है इस तरह का ग्रिप के लिए, जो दूसरी साइड पर पूरी तरह आपको मिल जाएगा, और नीचे दो होल्स हैं, अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइक है, और यहाँ पर आपका जो स्पीकर है, फिर चार्जिंग जैक है, और फिर ईयरफोन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ईयरफोन लगा कर एक बार, और ये चार्जिंग जैक में हमारे चार्जिंग पिन लगा कर। तो फ्रेंड्स, आप देखिए अभी ये ईयरफोन मैं रियलमी की इसमें लगा रहा हूँ। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल देखिए प्लग हो चुकी है, और इसी तरह चार्जिंग जैक में भी मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ, और फिर इसको हम प्लग करके पावर बैंक में लगाएंगे। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ फ़ोन, आप ऊपर देख सकते हैं इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं निकालूँगा तो आपकी ये चार्जिंग देखिए बंद हो गई। तो इस टाइप की कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी इसमें। और रही एक बात, कुछ लोगों को ये होता कि कवर लगाने के बाद
कैमरे को कवर कर लेता है, बट मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी अभी मेरे पास ये है, मैं इसकी फ़ोटो आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक, एक सेकेंड, सॉरी, ये तो वीडियो बनना स्टार्ट हो गई। ये हाँ सॉरी, फ़ोटो ही है। अभी जो क्वालिटी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और एक बार कवर को हटा कर भी एक फ़ोटो लेंगे, उसके बाद ये देखिए, दोनों फ़ोटो मैं आपके लिए डाल दूंगा। अभी आपको ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही होगी। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे भी दिक्कत होती थी, आप मेरे फ़ोन पर भी जो ग्लास लगा हुआ देख रहे हैं, ये H2S वाला नहीं है, ये 2.5D कर्व नहीं है। जो 5D, 11D या फिर 10D, 6D गार्ड आते हैं वो वाला गार्ड नहीं है। अगर आपको वो लगाना तो नॉर्मल कवर में आप वो लगा नहीं सकते। अगर आप ये कवर ख़रीद रहे हो और इस तरह के H2S वाले गार्ड लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जो इसमें ये साइड की प्रोटेक्शन है, ये साइड तक है, ऊपर जो स्क्रीन को इसने बिल्कुल भी कवर नहीं किया हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। अगर कवर कर लेता हो तो फिर आप नॉर्मल ही गार्ड लगा सकते हो, जैसा कि इस पर लगा हुआ है। 5D, 6D, H2S वाले 10D, 11D गार्ड आप नहीं लगा सकते। तो अभी इस कवर के बाद आप वो भी लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, जो इसके बेस्ट बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसमें चार कलर जो आते हैं मैंने आपको बता ही दिए, और काफ़ी अच्छी फिटिंग है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो का ही पर एंड, यही था इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।